चंबा भरमौर एनएच पर महिला के पास पहाड़ी दरकने से जारी भूस्खलन की समस्या के समाधान हेतु विधायक जयलाल कपूर ने मौके का दौरा किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस समस्या के समाधान को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के भीतर समस्या का स्थायी हल निकाल कर भरमौर एनएच पर वाहनों की आवाजाही को सामान्य बनाकर लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि महिला के पास एनएच के विस्तारीकरण कार्य के चलते कटिंग से पहाड़ी दरकने से लगातार मलबा व पत्थर गिर रहे हैं। इसके चलते मार्ग पर यातायात बार बार बाधित रह जा रहा है। मोर के लोग हैं, नॉन ट्राइबल के लोग हैं, अब मान लो कोई बीमार है, मरीज है, उनको चंबा पहुंचना है, कोई बच्चे जिनमें पेपर देना है, किसी का इंटरव्यू है, हमें वो प्रयास करना चाहिए कि हमें रास्ते को खोलें कैसे। इसलिए आज हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि शाम तक हम इस रास्ते को खोलें। स्वास्थ्य सेवाएं क्या उस तरह उपलब्ध कराई जा रही है? हाँ, एक डॉक्टर हमने भरमौर से भी ऑर्डर किए हैं, वो चूड़ी दरवाला में बैठेगा, और मैंने सीएमओ साहब से बात की कि एक डॉक्टर चंबा से दिया जाएगा जो दरवाला में बैठेगा। एनएचपीसी के जीएम, हमने शाम को एक मीटिंग की थी, ये जो स्लाइड हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, और जो जो जमीन धस रही है जिससे कि बहुत खतरा तो है ही है, तो हमने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के यह इसके ऊपर पानी डालेंगे, और जो स्लाइड होने वाला वो अपना नीचे हो जाएगा। आज साइड पे मैं भी आया हूँ, अनिल जी मेरे साथ हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। हमने मौके पर जाके इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि शोर मचा हुआ है, और बहुत जल्दी ये रास्ता जो 1-2 दिन में हम ठीक कर देंगे। जो घरों को समस्या थी उसके बारे में क्या? कल्टी साहब ने आदेश किए थे कि इनको किसी सुरक्षित स्थान पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, और जो इनके जानवर हैं गाय वगैरह भी हम उनको ले जाएंगे, और अगर बाई चांस इनका घर भी स्लाइड हो जाता है तो हम उनको उचित मुआवजा देंगे जो सरकार देती है। मैं कुछ लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जगह पर आकर राजनीति का, क्योंकि सबका काम है, और जानबूझकर तो हमने ये किया नहीं है। जब सड़क चौड़ी होगी तो कहीं ना कहीं स्लाइड तो हो जाएगी, अब चंबा से लेकर अगर रोहन साहब को नज़र मारे तो कई जगह स्लाइड हो रहा है, और इसका इलाज है, बहुत जल्दी हम इसका इलाज करेंगे, और एक दो दिन में जरूर।